हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 25 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन सिस्टम को लेके। स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं, तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1, 2 और 3। आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब आपने आई होप आंसर वो सोच लिया होगा। देखो, किम्बरले प्रोसेस जो सर्टिफिकेशन सिस्टम था, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रिजोल्यूशन द्वारा आया था। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो यह एक बाइंडिंग एग्रीमेंट था जिसका मोटो यह था कि भाई जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है डायमंड को लेके, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ग्लोबल लेवल पे जैसे डायमंड को सप्लाई किया जा रहा है, तो जो भी विवाद है उसका निपटारा यहाँ पे किया जाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इंडिया है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन सिस्टम का। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है आपके सामने सिग्निफिकेंट रिडक्शन एक्सेप्शन के बारे में, कि ये आजकल न्यूज़ में आपने देखा होगा। इसका क्या मतलब है, मतलब कहाँ से रिलेटेड है? देखो, सिग्निफिकेंट रिजेक्शन जो एक्सेप्शन है, ये बेसिकली यूएसए के द्वारा ये मतलब इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। इसका मोटो ये था कि आपको पता है कि यूएसए ने ईरान न्यूक्लियर डील से एग्जिट कर लिया था, तो इस दौरान ये इसलिए स्टार्ट किया गया था कि भाई ईरान के साथ जो कंट्री ऑयल इम्पोर्ट कर रही है ना, उनको धीरे धीरे अपना ऑयल इम्पोर्ट कम करना है 180 डेज के अंदर। तो अभी 2 मई को इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा जो कि यूएसए के द्वारा टाइम पीरियड दिया गया था, तो उसी के एवज में ही न्यूज़ में भी वापस है वो आया था। तो बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना है कि जो वेवियर फ्रॉम द यूएस सेंक्शन, तो इसका फर्स्ट आंसर है वो हो जाएगा, मतलब छूट मिलेगी यूएस के द्वारा जिसको सेंक्शन दिए गए हैं उसके तहत। तो मैंने लिए ईरान न्यूक्लियर डील के दौरान इस वर्ड का न्यूज़ में आया था, और अभी यूएसए कह रहा है इंडिया को कि भाई आप जो ईरान है इससे ऑयल इम्पोर्ट कम कीजिए, क्योंकि जो बातचीत हुई थी उसके तहत आपको ऑयल इम्पोर्ट है वो कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पैर दिए गए और हमें पूछा कि कौन सा करेक्टली मैच है। देखो, जो पार्कर सोलर प्रोब है ना, ये बेसिकली नासा का है, तो मतलब पहला यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सोलर ऑर्बिटर। सोलर ऑर्बिटर है वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। थर्ड है आदित्य L1। आदित्य L1 है वो इसरो का मिशन है, इसका मतलब यहाँ पे तीसरा भी सही है। तो इसका करेक्टली आंसर हो जाएगा सी या तीसरा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे वो है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर लेबनान, मतलब लेबनान के साथ कौन सी कंट्री है बॉर्डर शेयर करती है। देखो, जैसा हमने मैपिंग में पहले डिस्कस किया था कि वेस्ट एशिया का मैप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हालात सही नहीं है, तो और वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है ऑलमोस्ट पूरे साल भर। तो उसमें वेस्ट एशिया की हमें सारी कंट्रीज़ का पॉलिटिकल मैप अच्छे से याद होना चाहिए कि भाई वहाँ पे कौन सी कंट्री की लोकेशन कहाँ पे है, इवन वहाँ की इंपॉर्टेंट सिटी भी। तो पहले मैप ही देख लेते हैं लेबनान का, तब हमें ये और अच्छे से क्लियर है वो हो जाएगा। ये है देखो लेबनान का मैप, बेसिकली ये है इसराइल, नीचे इसराइल के जस्ट ऊपर है लेबनान, यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये है लेबनान। अब लेबनान का एक साइड का जो हम बात करें यहाँ पे तो है मेडिटेरियन सी, तो इधर तो कोई बॉर्डर मतलब से टच हो नहीं रहा है। इधर है ये पूरा एरिया वो सीरिया के तहत, मतलब सीरिया का बॉर्डर इस वाले एरिया में, और ये इधर फिर नीचे है, ये है यहाँ पे इसराइल। तो इसका मतलब लेबनान के दो ही कंट्री का बॉर्डर टच करता है, एक तो सीरिया और एक इसराइल। और आपको जैसे पता है कि जो गोलान हाइट्स है ना, वैसे तो वो सीरिया का हिस्सा था, बट इसराइल ने इसको हड़प लिया था, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में भी था अभी। तो आपको ध्यान रखना है गोलान हाइट्स है वो अभी इसराइल के अंडर है, और यूएसए ने अभी इसको मान्यता भी दी थी इसराइल को कि हाँ भाई गोलान हाइट्स वो इसराइल का पार्ट है। ये नीचे वो पेलेस्टीन है, चाहे वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं, फिर इधर नीचे गाजा स्ट्रिप आती है, यहाँ पे जॉर्डन है, तो इनकी लोकेशन हमें पता होना चाहिए। आप ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि जो डेड सी है ना, डेड सी ये कहाँ पे है, इसके लोकेशन बताइए, कौन सी कंट्री वगैरह, आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में बतानी है कि डेड सी की लोकेशन कहाँ पे है। अब देखते हैं आज के हमारे आर्टिकल। पहला जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है सीड रिपोर्ट्स को लेके। क्या है सीड्स रिपोर्ट? देखो, सीड्स का मतलब है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटीज, ये है सीड्स की फुल फॉर्म। अभी सीड्स के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम है द रिपोर्ट ऑफ डिजास्टर 2019। तो पहला तो फैक्ट यही इंपॉर्टेंट है कि सीड्स की कौन सी रिपोर्ट है, नाम है द फेस ऑफ डिजास्टर 2019, मतलब 2019 के डिजास्टर्स हैं कैसे फेस करने हैं उनके बारे में ही रिपोर्ट आई है। देखो, जो सीड्स है ना, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये एक नॉन प्रॉफिट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है।
एनजीओ वगैरह नहीं है, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या करता है कि जो भी यंग प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं ना डेवलपमेंट रिलेटेड, उनसे डाटा है कलेक्ट किया जाता है और वो अपना यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये बेसिकली पिछली 25वीं एनिवर्सरी थी सीड्स की, इसी मौके पे द फेस ऑफ डिजास्टर 2019 रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है। तो पहला तो ये ध्यान रखना कि सीड्स की जो रिपोर्ट है किससे रिलेटेड है, डिजास्टर 2019 को लेके है, तो ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यूपीएससी किसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है डिस्ट्रॉयर शिप इम्फाल। देखो इंडिया का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है प्रोजेक्ट 15B। ये प्रोजेक्ट 15B था ना, इसके तहत इंडिया को क्या करना था, इसके तहत इंडिया को वारसी पीने के जहाज बनाने थे कुछ इस टाइप के। और इसके तहत इंडिया ने अपना पहला जहाज बनाया था, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है विशाखापट्टनम, जो कि 2015 में लॉन्च है वो किया गया था। अब ये जो जहाज बनाया गया था ना, ये किसके प्रोजेक्ट के तहत है, पहला तो है प्रोजेक्ट 15B, तो ये एक तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अब ये जो डिस्ट्रॉयर शिप इम्फाल है ना, ये अभी इंडियन नेवी को दिया गया है और इसके द्वारा अभी सफल परीक्षण किया गया है। किस चीज़ का, कि भाई ये जो शिप है ना, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तरह काम करेगा। मतलब एक तरीके से मिसाइल होगी और किसी भी शिप, दूसरे इनेमी कंट्री के शिप को डिस्ट्रॉय करना होगा तो वहाँ पर मिसाइल का यूज करके उसको डिस्ट्रॉय है वो कर देगा। तो ये कंटेक्स्ट है कि भाई रिसेंटली इंडियन नेवी है उसने लॉन्च किया है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप जिसका नाम है इम्फाल। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इम्फाल है वो प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है और जो काम क्या करेगा, मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप का काम है वो करने वाला है। प्रोजेक्ट 15B स्टार्ट कब हुआ था, बेसिकली 2015 के टाइम पे पहला शिप इसका आया था, इसका नाम था विशाखापट्टनम। और ये ध्यान इतना ज़्यादा खैर इंपॉर्टेंट, एक ये देखना फैक्ट, हाँ कई बार पूछ लेती है यूपीएससी कि इसमें डीजल इंजन है वगैरह, तो ध्यान रखना इसमें गैस टर्बाइन है, कि गैस टर्बाइन की हेल्प से ये इंजन है वो चलेगा, इसी पर वो मेनली गति करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अजीत। क्या है अजीत, पहले हम वो देखते हैं फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो अजीत है ना, वो एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट बॉम्बे, यानी कि IIT बॉम्बे है ना, उसने एक अपना स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया है जो कि इंडिया के द्वारा मेड किया गया। और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है, लगभग 100 रुपये इसकी कॉस्ट है, मतलब काफ़ी सस्ता इंडिया ने डेवलप है वो किया है। आपको पता है मेनली इंडिया जो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह है वो चाइना या बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करता है, और अभी कुछ टाइम पहले इंडिया ने एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, इसका नाम था शक्ति। अभी एक नया बना है अजीत। तो यह ध्यान रखना कि जो अजीत माइक्रो प्रोसेसर है ये क्या काम करेगा, इसका देखो मेनली मोटो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वहाँ पे यूज़ होगा, जैसे कि जो रोबोट्स हुए या फिर ऑटोमेशन सिस्टम हुआ, जैसे किसी भी कंपनी में गाड़ियाँ वगैरह बनानी हो या फिर कहीं रोबोट वगैरह हो वहाँ पे इसका यूज़ है वो किया जाएगा, वर्क स्टेशन वगैरह में। इसी के साथ ही अजीत है, इसको जो इंडियन सेटेलाइट है नाविक हुआ, IRNS हुआ, यानी कि रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम हुआ, वहाँ पे भी इसका यूज़ है वो किया जाएगा। तो यह हमें ध्यान में रखना है। एक समीर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समीर का मतलब है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ये एक इंडिया की इंडिपेंडेंट लैब है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है वो आती है। और ये क्या करती है, ये जो प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं इनका सेटेलाइट में कैसे यूज हो सकता है इस मामले में, मतलब स्टडी वगैरह उनका यूज है वो करती है। तो ध्यान रखना कि समीर में भी इसका यूज है वो किया जाएगा। तो अजीत क्या है, IIT बॉम्बे के द्वारा बनाया गया इंडिया का माइक्रो प्रोसेसर है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फ्लाईवे को लेके। देखो फ्लाईवे क्या होते हैं, पक्षी आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, तो वो जो रास्ता जो रास्ते से जाते हैं वो होता है मेनली फ्लाईवे, मतलब माइग्रेटरी जो वाटर बर्ड्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो फ्लाईवे के थ्रू है वो जाते हैं। अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में नो फ्लाईवेज हैं, तो नो के नो तो हमें रटने नहीं है, बट इंडिया कौन से में आता है वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया आता है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे और एक है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, मतलब दो ये फ्लाईवे है ना इसमें इंडिया आता है, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। बाकी नो एक बार देख लेना, इतने खैर इंपॉर्टेंट है नहीं, ये दो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया सेंट्रल एशियन फ्लाईवे और ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे में आता है। अभी बात थोड़ी देख लेते हैं कौन कौन सा कहाँ पे है। देखो एक तो ये है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, कि मैक्सिमम हिस्सा तो इंडिया का देखो इसी में आ रहा है, ये दिख रहा होगा आपको येलो कलर वाला, यहाँ पे ये हो गया। और एक देखो थोड़ा सा ऐसा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है वो आता है इस वाले में, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे में, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई कहाँ कहाँ होता है, ये मेनली आ रहा है, सॉरी ये रहा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना कि इंडिया कहाँ पे आता है, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड का हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं कौन कौन सा कहाँ पे है। अब हम देखते हैं आगे, फ्लाईवे के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी देखो बात ये कि जो ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है ना,
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन से हमने देखा था अभी मैप में कि रशिया से स्टार्ट होता है, फिर ईस्ट अलास्का की तरफ जाता है, फिर ईस्ट एशिया की तरफ आता है, फिर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री को फोकस करता है। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले एरिया को भी, मतलब लगभग 22 कंट्रीज को यह एक तरीके से सम्मिलित है वो करता है। ये इंडिया का फ्लाई वे तो हमने इसको यहाँ पे देख लिया। अब देखो जो ईस्ट एशियन फ्लाई वे है ना, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाई वे, ये लगभग 50 मिलियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स हैं वो इस रास्ते से जाती हैं। 250 तरह की स्पीसीज हैं अलग अलग वेराइटी की, और इसी के साथ ही इसमें 32 हैं वो ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज भी हैं और 19 हैं वो नियर थ्रेटेंड स्पीसीज भी हैं। तो डाटा रटना नहीं है, बस केवल जानकारी के लिए, ताकि थोड़ा हमें पता रहे कि भाई कौन सा फ्लाई वे है वो कहाँ पे है, क्योंकि ये कई बार यूपीएससी पूछ लेती है कि इंडिया कौन से में है फ्लाई वे में, तो हमें ध्यान इसके रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बीपी कोलंबो मिशन। ये बीपी कोलंबो मिशन है, बीपी कोलंबो मिशन है, ये है क्या? तो वो पहली बात यह है कि यह मिशन है वो इंडिया का नहीं है, यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा, जाक्सा और ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों का यह मिशन है। और मेनली जो रोल होगा वो होगा इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इसमें देखो ये बीपी कोलंबो मिशन है ना, इसमें दो स्पेसक्राफ्ट हैं, और मोटो क्या है दोनों स्पेसक्राफ्ट का कि मरकरी जो प्लेनेट है उसकी स्टडी है वो की जाएगी। एक स्पेसक्राफ्ट है वो है मरकरी प्लेनेटरी ऑर्बिटर, और दूसरा है मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर। यानी एक तो मरकरी का जो प्लेनेटरी ऑर्बिटर है, ऑर्बिट है उसकी कक्षा है उसकी स्टडी करेगा, और दूसरा है वो मरकरी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटोस्फेयर है, उसकी स्टडी करने के लिए है। बस इतना ही हमारे लिए काम का है, बाकी ज़्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन कुछ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं कि वहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टडी की जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से हमारी अर्थ को इफेक्ट है वो कर रहा है, तो वो सारी स्टडी यहाँ पे की जाएंगी। तो ये था बीपी कोलंबो मिशन। तो ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।